आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत के कुछ नए वीडियोस सामने आए हैं और इनमें वो पूरी मस्ती से गाने गुनगुनाते हुए नजर आ रहा है और इन वीडियोस को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी तरह के तनाव में थे। इन गानों में सुशांत जिंदा दिल लगते हैं जो जिंदगी को भरपूर मस्ती के साथ जी रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का ये रंग, ये सुर अनदेखा, अनजाना, अनसुना है। सुशांत इस वीडियो में सुरों के साथ भगवान को याद कर रहे हैं। भजन के शब्द कठिन हैं, सुरों की लय ताल मुश्किल है, लेकिन सुशांत अपने में मगन है। ये वीडियो 2020 जनवरी का है जब वो पंचकुला गए थे। मौका था सुशांत की सालगिरह का। सुशांत मुंबई छोड़कर पंचकुला पहुंचे बहन के पास और इसी ध्यान के साथ सुरों के गुण को बिखेरा। अब ये देखिए सुशांत का एक और वीडियो जिसमें उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। सुबह को जब हम नींद से अलहड़ अंदाज, मस्त और शोक शाम और भागती कार। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार। ये वो सुशांत थे जो हॉलीवुड जाना चाहते थे, जिंदगी का कतरा कतरा जीना चाहते थे और उनके ये भजन, ये गाने बताते हैं कि जिंदा दिली और शोखी क्या होती है। आज तक ब्यूरो। तो बहनों के साथ, परिवार के साथ मस्ती करते सुशांत नजर आ रहे हैं। कहीं गाड़ी में गुनगुना रहे हैं तो कहीं भजन गाए जा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको सुशांत की दिखाते हैं। देखिए तीन तस्वीरें, भजन गाते हुए तस्वीर, जन्मदिन का जश्न किस तरीके से सुशांत मना रहे हैं और बहन के साथ ड्राइव करते करते कितने खुश वो नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे एक मिनट, एक बार बता, एक बार दो बार तो निकले थे, दो बार निकले थे ना? एक भी नहीं मारी आप? दो बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था कि अरे अच्छा सपोर्ट करते। एक तो अच्छा चक्का मारते मेरे बॉल पे। एक मिनट, एक बार बता, एक बार दो बार तो निकले थे, दो बार निकले थे ना? एक भी नहीं मारी आप? दो बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था कि अरे अच्छा सपोर्ट करते। एक तो अच्छा चक्का मारते मेरे बॉल पे। एक मिनट, एक बार बता, एक बार दो बार तो निकले थे, दो बार निकले थे ना? एक भी नहीं मारी आप? दो बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे।
अंजना ओम कश्यप हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंजना, मस्ती कर रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं, यहाँ से कहीं भी अगर देखा जाए तो सुशांत के चेहरे से लग नहीं रहा कि किसी तरह का डिप्रेशन है, तनाव में है, और दूसरा परिवार के साथ, बहनों के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जवाब है उन तमाम लोगों को जो परिवार के अंदर खोट खोज रहे थे, जो परिवार के अंदर अनबन की कहानी बुन रहे थे। समझना यह है कि इस वीडियो संदेश के जरिए अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से बहन या फिर बाकी परिवार वालों के साथ वो मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं तो जनवरी 2020 की ये कहानी है। ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है, ये परिवार का वो अनुभव है जिसकी बुनियाद पर वो सवाल पूछते हैं कि आखिर मुंबई जाते ही सुशांत की परिस्थितियां खराब क्यों हो जाती थी। जब वो 20 से 24 जनवरी यहां पर पंचकुला में उनके साथ था तो तमाम खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, चाहे वो मस्ती है, क्रिकेट वो खेलते हुए नजर आए उनके साथ, वो परिवार के साथ मस्ती करते हुए नजर आए हैं, ये भजन अनुपम वो गाते हुए। कुल मिलाकर ये वीडियो बता रहा है कि परिवार के शक और संदेह के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप देखें तो 21 जनवरी को बर्थडे है सुशांत सिंह राजपूत का, और सिर्फ अपना बर्थडे परिवार में जिनके वो सबसे करीब थे, अपने बहने, उन सब के साथ मिलकर वो पंचकुला आए थे, बाई कार आए थे मुंबई से पंचकुला के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना। ये अनबन की कहानी नहीं हो सकती। और इसी के साथ गुलशन गुड़िया वो भी आपको दिखता है, जो भाई बहन की जोड़ी हमेशा बताई जाती है। वो पूछ रहे हैं गुलशन कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वही तस्वीरें जरा फिर से दिखाते हैं दर्शकों को, ये बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान की तस्वीरें। एक मिनट, एक बार बता, एक बार दो बार तो निकले थे, दो बार निकले थे ना? एक भी नहीं मारी दो बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था कि यार अच्छा सपोर्ट है। एक तो अच्छा चक्का मारते मेरे बॉल पे। एक मिनट, एक बार बता, एक बार दो बार तो निकले थे, दो बार निकले थे ना? एक भी नहीं मारी आप। दो बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था कि यार अच्छा सपोर्ट है। एक तो अच्छा चक्का मारते मेरे बॉल पे। एक मिनट, एक बार बता, एक बार दो बार तो निकले थे, दो बार निकले थे। गुलशन, अच्युतं केशवं साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजना, कहीं भजन, कहीं परिवार के साथ मस्ती, और सबसे लेटेस्ट वीडियो होगा शायद ये जनवरी 2020 का, जबकि कहानी पहले से ही बुनी जा रही है कि वो पिछले साल से ही डिप्रेशन में चले गए थे और बीमार रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पर बहनों ने जो इस वीडियो को शेयर किया उसमें दिखाया जा रहा है बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल नवजोत, हालांकि जब आप बातचीत करेंगे तो कई साइकाइट्रिस्ट इस तरह की बात कहते हैं कि अगर आप तनाव में हैं तो कई बार आप हमेशा उसका इजहार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है 4 से 5 दिन अगर इस तरह के तनाव से कोई गुजर रहा है तो आपको वो अनुभव हो जाएगा। इसीलिए देखिए, परिवार ने यही देखा, एक खुश मुस्कुराते हुए चेहरे को,
तभी नवंबर के महीने में भी जब खबर आई कि तबीयत ठीक नहीं है और साइकाइट्रिस्ट की मदद ली जा रही है, तो तीनों बहनें वहां पर पहुंची कि हमारे सुशांत को क्या हो सकता है। उन्होंने वहां पर भी पहल की लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वहां पर अंततः सुशांत ने रिया और उनके भाई शौविक की बात मानी और वो वहीं रुक गए, बहनों के साथ नहीं आए। उसके बाद भी पिता 29 नवंबर को मैसेज भेजते हैं कि अगर तुम इलाज करियो तो हमें बताओ। तो फिर जनवरी के महीने में बातचीत होती है बहनों से, दिसंबर में फोन बदलता है, जनवरी में बात होती है, बहनें कहती हैं आप आ जाओ, और इस बार वो गाड़ी उठाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। खुशी के इन लम्हों को देखिए, जब वो परिवार के साथ थे बहुत खुश मिजाज है, और ये जो अनबन की पूरी कहानी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए दिखाई जा रही, वो जनवरी का ये वीडियो सब कुछ बता रहा है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण नवजोत, और उससे भी बड़ी बात, अगर इतनी क्लोज, जिस तरीके से बताया जाता है कि रिया कह रही है कि वो परिवार से दूर हो गए थे, उसके परिवार के नजदीक हो गए थे। बर्थडे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन और बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, अहम दिन होता है, हम अपने सबसे अजीज के साथ ही उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये वीडियो दिखाता है कि सुशांत के सबसे अजीज कौन थे। ये बात लाख टके की है कि जो जन्मदिन शायद पूरे साल में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन को आप हमेशा अपने सबसे करीबी सबसे अजीज के साथ ही मनाते हैं। और अगर गाड़ी से मुंबई से चंडीगढ़ पंचकुला अपनी बहन के घर आकर सुशांत सिंह राजपूत ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुशियां समेटते हैं, भजन गाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहनों के साथ कार ड्राइव में मस्ती करते हैं, तो इसी से कहा जा सकता है कि इस रिश्ते को, इस परिवार के अंदर के ताने बाने को, इस नजदीकी को जो सुशांत सिंह राजपूत का उनकी बहनों के साथ था, इस प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनवरी 2020 की तस्वीरें हैं और वीडियो है जो इस परिवार के करीब एक दूसरे के होने की पूरी गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अंजना। अंजना हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी परिवार के कितने क्लोज थे सुशांत, और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।